बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करने आसान सारे भैन पर ठीक ठाक हो सो तो अल्लाह तुम सारे की अपने माच रखे, खुश रहो तो बहाद रहो। तो जी नाजीन, असं जी रेसिपी बनाई रहे हैं वो नजीद ही बल्ले बहुत ही ईजी जी रेसिपी है। तो माड़ी जी नाजीन कोशिश होनी है कि मैं बहुत ही ईजी ईजी रेसिपियाँ तुम शेयर कराँ। तो इस वास्ते मैं अज बेसन ने जो दही बल्ले वो बनाई रही हाँ। तो इस वास्ते मैं जिन्हें जिन्हें चीज़ा किनिया ने, सब तो पहला जो मैं मेरे को दही है तकरीबन अद्धा किलो मैं दही किन्ने, तो इस नाल मैं तकरीबन एक कप जोड़ा है मैं बेसन है मेरे को। मैं आलू बॉयल करके बारीक कटी छोड़े हैं, टमाटर हरी मिर्च तो पुदीना तो धनिया इसकी मैं जोड़े प्याले में कटी के सारे एक मिक्स करी छोड़े। तो नाल मेरे को मैं तकरीबन अद्धा कप जोड़ा चने उबले हुए, तो मैं एक ये मैं तकरीबन एक चम्मच मेरे को जोड़ा है मिठा सोडा जिसे खाने का सोडा भी आने। तो मेरे को मसाले ने लाल मिर्च नमक अजवाइन मैं लिए तकरीबन अद्धी चम्मच, तो जीरा जी नजीन उसी मैं तक इस बना सिखा जी नजीन। सब तो पहले मैं एक बाउल किनी आए जी, इस मैं हम बस हाँ जरा को बेसन मैं चाणी लिया अच्छी तरह। जी असं जो बेसन से मैं इस बच छोड़ा बाउल में, तो हम मेरे को जी ये मिठा सोडा जरा खाने का सोडा होना है ये मैं तकरीबन जरा बिल्कुल जी अद्धी चम्मच होनी है चाहिए बाई दी इस बीच। तो इस नाल जो सारे मसाले वो मैं इस बीच बस हाँ जी। ये मैं नमक बार लिया तकरीबन एक चम्मच है, ये असं अपनी इस जरूरत अपने जायके ने हिसाब से पाई सकने। तो ये मेरे को लाल मिर्च मैं एक चम्मच इस बीच बाई छोड़िए, तो ये जीरा ये भी एक चम्मच, ये इसमें को आखर चलिए जवैन सी सनी ये इसमें बाई छोड़िए। तो हम असि इसमें मिक्स कर छोड़ सा जी असि हम जो असं अच्छी तरह जो सन सारे मसाले सन रखी बेसन भी जोड़ा मिक्स कर छोड़ सा। तो असं आस्ता आस्ता इस जो को पानी वो बंद जासा, तो इसकी जो अमेजा है वो तैयार होता जासी। कोशिश करनी है कि इसकी जरा सा मेज़ा है बहुत पतला नहीं होना चाहिए ना, ये जरा सारा थिक होना चाहिए ना। फिर जी हाजी ये देखो जरा मेरा कुल बेसन है जरा सा कुल मेज़ा है ये तकरीबन अजी थोड़ा सा मैं सख्त लगना है। इस थोड़ा सा असं पानी थोड़ा और ऐड करा अच्छी तरह असं मिक्स कर छोड़ सा जी। नजीन देखो जो सा बेसन का मेज़ा है बलिया ना वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखो जो इस लैवल जोड़ा ये होना चाहिए ना, ना बहुता पतला होना चाहिए ना, ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक होना चाहिए ना। इस तकरीबन असी 15 मिनट वास्ते छोड़ी रखी छोड़ सा कवर करके, तो हम जो दही है वो तैयार करना सिखा सा जी। नजीन ये मेरे को दही है ये मैं खालस दही कि नहीं कर रहा, तो इस बीच वो मैं सब तो पहला असं को जोड़े चने ने वो इस बीच बस हाँ। तो हम असं को हरा धनिया लाल मिर्च कटी कटी हुई तो सॉरी ग्रीन मिर्च तो आलू उबले टमाटर इस चीज बच छोड़ सा अच्छी तरह जो मिक्स कर छोड़ सा। जी नजीन ये मैं हम जी बाही रही हाँ तकरीबन अद्धी चम्मच नमक तो लाल मिर्च नहीं बिल्कुल हाफ हाफ चम्मच होनी चाहिए है, तो एक चम्मच मैं ये बाही रही हाँ जी असा को चाट मसाल मसाला असा को एक चम्मच चाट मसाला इसे इस बाही छोड़ा मसालिया की मकदार जी अपने जो टेस्ट ने हिसाब में रखी सकने हो, क्योंकि बाद दफा लोग जो तेज मसाले पसंद करने तो बाद दफा जो लाइट देखो जो सा बलिया वास्तव जो सा दही बिल्कुल रेडी हो गया है। तो
हूँ असी साढ़े जोड़े बलियान जा जो असी बेसन तैयार किया नजीन वो बिल्कुल रेडी हो गए तकरीबन 15 मिनट हो गए तो हम अभी जो गोले बनाना सिखाएंगे जी नजीन ये जो सोल ऑयल है इसी गर्म होने वास्तव रखी छोड़े तकरीबन पहले ही तकरीबन गर्म हो गए असं हम चेक कर लेने कि ये बलियान अस रेडी है जी देखो बेसन उपर आई गया ये जरा बिल्कुल रेडी है हूँ असं जो है जी अभी असं जो बल्ले बनाए वास्ते असं स्पून जो चम्मच होनी भिन्नी जो वीडी असं ले जी जो बल्ले होने ये साइज बड़े ही होने अच्छे लग रहे हैं इसमें तुम्हें बल्ले वो बनाना सिखाऊंगे जिन्हें जो मिले सारे चीजें आई मिनट बहुत हुए हैं चीजें और 2 मिनट बाद इनकी शेप साइज चेंज करा जी नजीन देखो इन्होंने जो साइड सी मैं चेंज करी छोड़ी है तो दूसरी तरफ इसी इसी तरह इन्हें फिका ही छोड़ना है इन्हें कि बहुत ज़्यादा जरा गोल्डन कलर होना वो नहीं देना लाइट से इन्हें गोल्डन कलर देसा तकरीबन ज़्यादा ज़्यादा इन्हें कि 5 मिनट वास्ते फिका ही छोड़ क्योंकि बेसन नहीं होने जल्दी पकी जाने तो इस नजरें बहुत मजे की रेसिपी है तो बहुत ईजी है इन्होंने किसी मिट्टी कमेंट करके दसना है कि की अजी बनी है सर की माड़ी रेसिपी जी कि जी लगी है तो इस माड़े चैनल पर भी चुला की प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब किया करो जी नजीन देखो जो सू बल बिल्कुल रेडी हो गए हैं कि असं हम बस दूसरे जो बर्तन कड़ी छोड़ सा तो इस वास्ते नजीन ये जो बल्ले बेसन होने इन्हें कि पानी में रखने की कोई जरूरी नहीं जो दाल है बेस बल्ले होने उन्हें कि तुम्हें पता है जो पानी में थोड़ी देर डिप करी ने उसका सख्त होने इस वास्ते ये क्योंकि बेसन है तो ये ऑलरेडी पहले ही जो नरम होने इस वास्ते ना कि जो पानी में डिप करने की कोई जरूरत नहीं होनी जी नजीन देखो जो सारे बल्ले ने बिल्कुल रेडी हो गए असं इन्हें कि लगा बर्तन में कड़ी छोड़े हूँ असं तुम डिश आउट करना इन्हें कि दसागे किस तरह करने जी नजीन इस को तीन प्लेटा ने इन्होंने असं जो बल्ले रखी छोड़ सौ को जो हम चाट बनी हुई है इसने दही नहीं इसे इस पर बाई छोड़ोंगे जी सोने दही बल्ले ने बिल्कुल हो गए ने रेडी रमजान स्पेशल बहुत अच्छी डिश है जी ये हम जरूर ट्राई करनी है तो मैं कि कमेंट बॉक्स है लाजमी से दसना है कि जी सी रेसिपी है कि जी लगी है प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हाँ जी सा जो चैनल है इसकी भी फुल सपोर्ट कराया करो तो प्लीज़ माड़ी वीडियो की भी फुल वॉच कराया करो तो इस नाल जी इजाजत दो अपना बहुत सा ख्याल रखना अल्लाह सुनने वाले रब रखा।